कस्बे सहित क्षेत्र में चारों ओर महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और शिव बारात धूमधाम से निकाली गई। मामला है हमीरपुर जनपद के मौधा कस्बे का, जहां पर आज महाशिवरात्रि के त्योहार की धूम रही और त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कस्बे सहित क्षेत्र के सभी शिव मंदिर दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। आज दोपहर बाद कस्बे के मोहल्ला रागुल स्थित प्राचीन शिव मंदिर से भगवान शिव की बारात धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने भाग लिया और सैकड़ों शिव भक्त बैंड और डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए। भगवान शिव की बारात कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और कोतवाली पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस बल बुलाई गई। ये जुलूस जो है कब से निकल रहा है और क्या उद्देश्य है? ये सर जी 7-8 साल हो गए और 7-8 सालों में हर वर्ष की भांति भगवान भूत भोलेनाथ की विशाल बारात का कार्यक्रम हर वर्ष रखा जाता है और ये कार्यक्रम आपका 2:25 पर यहाँ से फतेहपुर ग्राम रामलीला मैदान बाबा विश्वनाथ मंदिर से ये प्रस्थान करेगा और आपके नगर प्रस्थान करते हुए पुनः आपके ग्राम फतेहपुर में फिर पधारेगा। और कोई प्रोग्राम होता है इसके पश्चात 22 तारीख यानी कल विशाल भंडारे का भी कार्यक्रम। आज के जुलूस के बारे में बताएं। ये शोभा यात्रा विगत कई वर्षों से निकल रही है, जिसमें शंकर जी के जितने भी गढ़ होते हैं 33 कोटि देवताओं का आह्वान करके भगवान गणेश को प्रणाम करके यहाँ से ये शिव बारात निकलती है, जो पूरे नगर पे निकलती है और ये भव्य शोभा यात्रा है। लगातार शंकर जी के विवाह के उससे ये कार्यक्रम होता है, महाशिवरात्रि के पर्व पर ये कार्यक्रम मनाया जाता है। इसमें सहयोग करते हैं, इसमें पूरे नगर का सहयोग है, पूरे नगर के सहयोग से और ख़ास तौर से जो फतेहपुर के जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले के निवासी अपने जीजान लगा करके जैसे तैसे कम संसाधनों में इस कार्यक्रम को करते हैं। ये बहुत ही बधाई के पात्र लोग हैं, इन्होंने कम पैसा होने के बाद भी इनकी आस्था बहुत बड़ी है, अपनी आस्था को सर्वोपरि रख करके ये लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसीलिए हम सारे नगरवासी इनका जितना हो सकता है सहयोग करने का प्रयास करते हैं, पूरे नगर के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है।